जैसे अजान से पहले दरूदो सलाम पढ़ना माइक में, या नबी सलाम जी अलैका। तो हमारे यहाँ का एक बरेलवी मुफ्ती साहब बोले कि मना कहाँ है, कुरान में तो है, ऐ ईमान वालों नबी पर दरूदो सलाम भेजो, बिल्कुल तो आप लोग कहते हैं कि मना है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल वो सही मुफ्ती बात साहब है। है। देखिए हाँ सुनिए सुनिए बताता हूँ। अभी मगरिब की नमाज पढ़ा आपने? जी चलिए कोई बात नहीं है। मगरिब की नमाज आप कितनी रकात पढ़ते हैं? 3 रकात ना। तीन जी अगर अरशद भाई कहें कि भाई मैं 4 रकात मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, मना कहाँ है कुरान में कि 4 रकात ना पढ़ना मगरिब? कहाँ पर मना है बताइए। जी या नमाजें 5 वक्त की फर्ज है हमारे ऊपर, 5 वक्त की नमाजें फर्ज है ना। कोई आदमी जी कहे मैं 7 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, 7 वक्त की नमाजें फर्ज मानूंगा, मना कहाँ है कुरान में दिखाइए, तो फिर आप क्या जी कहेंगे? साबित नहीं है हम कहेंगे सुनिए जी। शरीयत में कुछ उसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया, यहां पर अमल से मुराद इबादत है, जिसने कोई जी ऐसी इबादत की, ऐसा अमल किया जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फहुआ रद्दुन, तो वो मरदूद है। इसी जी तरह से आप जुमा के खुतबे में बार बार, हर जुमा के खुतबे में सुनते होंगे कि कुल्लु मुहदसतिन बिदा, कुल्लु मुहदसतिन बिदा का क्या मतलब है? दीन के अंदर कोई भी नई चीज बिदात है। नई चीज का क्या मतलब? नई चीज का मतलब जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, जो किताबो सुन्नत से जो इबादत साबित नहीं है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो ये बिदात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, जी कि दीन के अंदर नई चीजों के इजाफा करने से बचना। एक कायदा है कि अल असलु फिल इबादात अत तौकीफ, ये कायदा है और तमाम फुकहा के नजदीक ये मुत्तफक अलैह कायदा है कि अल असलु फिल इबादात अत तौकीफ। इसका मतलब ये है आसान लफ्जों में कि इबादत के बाब में असल ये है कि हम उतना ही करेंगे जितना साबित है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना साबित है उससे जी एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अगर ऐसी सूरत में कोई आदमी किसी इबादत का दावा करता है कि फला इबादत हम करेंगे, तो ऐसी सूरत में हम उससे दलील मांगेंगे कि भाई इस इबादत के करने की दलील क्या है। एक जी दूसरा आदमी किसी इबादत से इनकार कर रहा है तो हम इनकार करने वाले से दलील नहीं मांगेंगे, साबित करने वाले से दलील मांगेंगे कि भाई आप जो साबित कर रहा है दलील वो दे। अब अगर कोई आदमी अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है और कह रहा है कुरान में मना कहाँ है, इसकी दलील मना दो, तो उसूल की मुखालफत कर रहा है। वो उसूल की मुखालफत कर रहा है। ये इसकी मिसाल आप दुनिया में, एक मिसाल देता हूं आपको तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पर नऊज बिल्ला मैं आपको कहूं, आपके बारे में मैं कहूं कि आप कातिल हैं, आप साबित कीजिए कि आप कातिल नहीं हैं, तो क्या मेरी बात मानी जाएगी? अगर मैं आपको कातिल कहूं तो दलील किससे मांगा जाएगा? दलील मुझसे मांगा जाएगा कि भाई साबित अच्छा करो। अब अगर उल्टा मैं दलील आपसे मांगू जिस पर इल्जाम लगा रहा हूं, मैं उससे दलील मांगू कि भाई चलो तुम अब साबित करो कि तुम कातिल नहीं हो, तो ये तो दुनियावी कानून में भी नहीं है। तो जी जो आदमी दावा कर रहा है, साबित कर रहा है, दलील उसको देना है। आप दलील हमसे मत मांगिए कि कुरान से दलील दीजिए कि कहां पर मना है। मना की दलील नहीं देखना है इबादत में, इबादत में सबूत की दलील देखना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने वाले जो बिदआत के अंदर मुलव्वस हैं, इसी तरह से आम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। कहेंगे जी फला जो है फला काम हम कर रहे हैं, इसकी इसके मना करने की दलील क्या है, आप दलील दीजिए। तो भाई सामने वाला एक आम आदमी है, वो तो नहीं समझ रहा है, लेकिन आप इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रहे हैं? दलील उसको देना होता है जो साबित करता है, उसूली बात यह है। दलील उसको नहीं देना है जो मना कर रहा है, क्योंकि जो मना कर रहा है वो तो असल पर कायम है, और जो असल जी पर कायम होता है दलील उससे नहीं मांगी जाती है। जो खिलाफ असल होता है दलील उससे मांगी जाती है। तो जी ये तमाम बिदआत के बाब में, जो बातें अभी मैंने किया, तमाम बिदआत के बाब में ये बातें आप याद रखें कि कोई आदमी जब आपसे आकर के कहे कि फला इबादत चलो करते हैं, तो
आप उससे पूछिए इसकी दलील क्या है। अगर वो आपसे नहीं कह सकता है कि तुम मना कर रहे हो तो इसकी मना करने की दलील दो, क्योंकि उसूली बात नहीं है। उसूली बात यह है कि जो इबादत को साबित करना चाहता है दलील वो देगा।